आगे आप लोग तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग घर के जैसे होंगे, मैं भी घर के जैसे हूँ। तो भाई ये एक व्लॉग, हाँ तो व्लॉग ही होने वाला है भाई, व्लॉग ही होगा। तो हम जा रहे हैं, मैं अभी अभी पहली बार तो सुबह उठा हूँ, पर हम जा रहे हैं कुछ जैसे एक जगह पर कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं काशान को, जैसे काशान को मैं जा रहे हैं। चले आप लोग मतलब कहीं जा रहे हैं तो व्लॉग तो बनता है ना बॉस, चलो। तो भाई ये मिलेनियम का तो काम खत्म हो गया, अब आपको एक बंदे से मिलवाते हैं। ओके चलते हैं, आगे चलते रहेंगे, आगे के सीन दिखाएंगे। अच्छा जाओ यार, भाई बहुत सुस्त है यार ये। चलो शॉपिंग कर ले, थक गया मैं यार। अभी शॉपिंग करी भी नहीं है सही से, अभी कहीं और जा रहे हैं हम लोग, के बाद आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो काशान ने अपने लिए कुछ खरीदा। हाँ भाई क्या खरीद लिया तुमने? शूज। इतनी खुशी है मुझे, इतनी देर में सब खरीद के आ गए, थोड़े बहुत खरीदे अभी तो, और थैली भी फाड़ी थी। ये गली आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, टिकटॉकर यहाँ टकराए होंगे। तो भाई यहाँ अली ब्लॉग ऑफिशियल आ गए। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जा। नहीं नहीं, मैं तो इसके चक्कर में आ गया, इसको शूज खरीदने थे, थक गए हैं काफी। चलो चलते हैं भाई, इसके शूज दिलाने के बाद कुछ खाने पीने आ गए हैं। मैंने बोला शूज पियेंगे। हाँ भाई ऑर्डर दे दिया का शान? हाँ दे दिया। ये किस चीज का दिया? सूप। सूप कौन सूप? तो भाई कौन सूप आता है उसके बाद दिखाते हैं क्या सीन है, क्या सीन। चाइनीज सूप, चाइनीज कौन सूप ही कहते हैं भाई, एक यखनी के दो चाइनीज। हमको सिखा दिया है पीते हुए, सर्दी वैसे हो रही है आज, बहुत हो रही है, ठंड लग रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बड़े इंतजार के बाद बहुत रश है, सूप आ चुका है अपना, अब सूप टेस्ट करके बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई ये काशान। हाँ भाई रिव्यू दो भाई, रिव्यू तो डाल है। वो तो डाल लो मस्की मुस्कू। कैसा है? अबे मैं तो हर हफ्ते पीता हूँ भाई। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ तुम्हें तो मुफ्ता लगा हुआ है ना, हर हफ्ते आने, हफ्ते में दो दफा। वाइट अच्छी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब इसने पी लिया, अब मेरी बारी। पापड़ भी है, ये पापड़ भी खा रहा है भाई। बस इतना ही पिएगा, बाकी कोई और पिएगा, दो तीन सिप मारे उसके बाद कोई और पिएगा होगा। अब ये मैं पीता हूँ, मेरा तो एंजॉय करता हूँ। पिएगा नहीं है सूप, जब पिएगा नहीं तो डाल रही हूँ मैं भाई। डिजाइन तो पूरा करना है अपने पास। 2000 years later. बाकी बचपन के दोस्त हैं क्लास में, तो ये एक्टर भी हैं, इनका नाम है मलिक, और इनका रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, और बैठने की अच्छी जगह भी है, बैठक बैठक बनाई भी है फुल। और एक तो ये गाड़ी वाले गुजर रहे हैं ट्रे करते हुए, तो आपको आवाज़ में थोड़ा मसला हो रहा होगा इसी वजह से। और ये का पूरा एरिया बना हुआ था। आ जाए यार चले, अंदर आ गए, सूर्य उतर रहे भाई, उतर जाओ यार उतर जाओ। तो यहाँ पे स्टोर है, जैसे ब्रांड्स बने हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, तो देखते चलते हैं, तो ऊपर चलते हैं। चलो अबे पागल आदमी इस पे चलते ही नहीं है, खड़े हो जाओ बस। ओह यार ये भी तो 5 मिनट में अभी कैमरे के पीछे ना भाग रहा था, भाग के दिखा काशन कैसे भाग रहा था, वैसे भाग रहा था जल्दी जल्दी भाई। इसमें यूँ खड़े हो जाते हैं हम, पीछे जा रहे हैं हम तो। इसमें भी खड़े हो जाते हैं, आपको पता नहीं है शायद, खड़े हो जाओ खुद ब खुद पहुँच जाओगे आप। के लिए मोहसिन है, बिलाल है। कौन सा मोहसिन? बिलाल है, तीनों मोहसिन है, बिलाल है। अच्छा भाई इन्होंने अपने दोस्त यहाँ पे भी ढूंढ लिए, ये वो है और ये वो है, ये वो है, और रियलिटी में ये रहा तो वो देखा होगा ना आपने, 70% ऑफ, लेकिन कुछ लाएंगे नहीं भाई हम तुम्हें यहाँ से। ट्रक पे चलते हैं, ट्रक पे तो बच्चा पार्टी में चलते हैं, अगर इसको समझ आता है तो वहाँ से कुछ ले लेते हैं, और ऊपर बच्चा पार्टी से लोगे। चलो भाई आजा आजा आजा, आ गए हम।
अब ग्रोसरी वगैरह इधर ज़्यादातर सामान वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये भाग रहा है। रुक जाओ तो भाई पागल हो गया ये आने के बोल रहा ये लूँगा वो अपने बल्लों के लिए भाग रहा है उसको जो चीज़ पसंद है वो लेके ही रहेगा लेकिन घर में इतनी ही नहीं सब चीज़ें और शायद ये है कि बाबा इसको दिलाएं अपने आते के साथ अपने लिए कुछ चीज़ें देख ली हैं लेकिन नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं नहीं कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है इसको पैक कराने पड़े और ये चलो तुम 70 ले लो 70 पे बैठ गए आना 70 पे तो ये यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं बस इसको इसी में चाहिए सारे टॉय वगैरह में घुस गया ये और ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है पर तो भाई टॉय में नहीं घुसो यार इतना चलो अब अंदर ही इधर चलते हैं इसने तो यहीं पर ही आके टॉय में ही घुस गया डायरेक्ट अब आगे चलते हैं इतना बड़ा बना हुआ है आ जाओ अबे 70 का हेलमेट नहीं पहनो 70 का हेलमेट पहन लिया और ये पीछे लगने वाला है मेरे ये टक्कर हो गई और ये यार अब इसको और ये और सामान के पीछे पड़ गया समझ नहीं आ रहा ना क्या लेंगे क्या ले कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसको ओहो पड़ाकू पढ़ने की चीज़ें दिला रहे हैं नहीं यहाँ से तो फटाफट भागेगा ये बोलेगा भागो यहाँ से ये नहीं लेना मेरे को अब नहीं नहीं रुक जाओ ले लो रुक जाओ भाई रुक जाओ 1 hour later तो ये आर्मी में जाओगे आर्मी में अच्छी लग रही है लेकिन मैं दिलाऊंगा नहीं साइज भी नहीं इतने फालतू पैसे भी नहीं है ना साइज भी नहीं है हाँ तो बस चलते हैं समझ नहीं आ रहे थे कपड़े आपको पता है तो कुछ और लेना कुछ भी नहीं लेना इसको बल्ले शल्ले चाहिए बल्ले इतने अब उधर चलते हैं यार आखिरकार अपनी जिद ने पूरी कर ली पेस्ट्रीज ले ली है अब कह रहा है बैठ के खाऊंगा मीठा खाने का इसका असर में दिल हो रहा था तो मैंने इसको पेस्ट्री दिला दी है चलते हैं भाई बैठने की जगह खाओगे या घर लेके जाओगे ना उसके बाद खाएगा ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ लिया इतना सा सामान है बिल इतना बड़ा भेज दिया ये बिल दिया घर का ये वो बिजली का बिल है कौन सा बिल है घर का राशन लिया घर का अबे इतना पेस्ट्री लिए और राशन इतना बड़ा बिल 2000 years later तो भाई क्या हैप्पी शैप्पी बर्थडे क्या हैप्पी बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे और कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है यार जल्दी जल्दी तक आ ले यार नीचे जाना है फिर मेरे को एक और चीज़ लेनी है ये भाई कैसी है तो हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं आया हूँ मेट्रो तो मेट्रो में ये एक आउटलेट बना हुआ है ये मेरे पापा के दोस्त का है मैं मलिक अंकल का है तो मैं आज आपको मलिक अंकल से मिलवाता हूँ मलिक अंकल कौन है क्या है क्या करते हैं आपने ज़रूर उनको कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सब उनकी जैसे उनकी शॉप है उनका आउटलेट बना हुआ है इधर देख सकते हैं आप तो एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सुनाएं मैं ठीक अल्लाह का शुक्र ये आपने इनको कोई ना कोई सीरियल ड्रामे में तो देखा ही होगा तो ये मलिक अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त बचपन के यहाँ तो चल रही थी बड़ों की बात तो मैं बड़ों के बीच में क्या बोलता तो काशान तो खाने में रुक ही नहीं रहा था और आप लोग एंजॉय करें सिनेमैटिक शॉट्स चलो भाई अब डायरेक्ट घर जाएंगे क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं शाम से कहीं ना कहीं जाने पहले तो उसको जूते वूते दिलाने थे वो सब दिलाने के बाद खाना पीना खाने के बाद चले आ रहे घर पहुंच गया है और ये अंदर घुस रहा थकान हो गई है तुम्हारा घर कौन से फ्लोर पे था भूल गया मैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है 5 फ्लोर में था पागल बना रहा वो भाई थकान ऐसी हुई कराची में ट्रैफिक और ऊपर से नींद आ रही थी ऐसी खतरनाक शदीद घर जाकर फौरन सो जाऊंगा और ये काशान भाई थक गया यार मैं पकड़ ले यार नहीं भाई मैं नहीं पकड़ रहा और आपको थैंक यू फॉर द वाचिंग आपको इस ब्लॉग को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोबारा आऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह